हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग कहें या नेचर के साथ छेड़छाड़ कहें या और जो भी कारण रहा हो, आज इन्वायरमेंट में हानिकारक गैसों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है। इसका सीधा एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा ही होगा, जब कोविड के कारण ऑक्सीजन की क्राइसिस से न जाने कितने लोग अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गए। हम ऑक्सीजन सिलेंडर तो घर पर नहीं रख सकते, पर नेचर ने हमें बहुत से ऐसे प्लांट दिए हैं जो एयर को प्यूरीफाई करके ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा देते हैं, साथ ही इन्वायरमेंट को स्ट्रेस फ्री भी रखते हैं। यदि हम ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें और इनकी थोड़ा सा केयर करें तो हम बिजी और स्ट्रेस फ्री दोनों रहेंगे, साथ ही हमारे आसपास की एयर भी शुद्ध रहेगी। वैसे तो इनडोर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं इस वीडियो में उन्हीं प्लांट के बारे में बात करूंगा जो मेरे गार्डन में हैं और जिनकी केयर का मुझे एक्सपीरियंस है। इन सभी इंडोर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की कंप्लीट केयर पर मैं जल्दी एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सभी को कंप्लीट केयर की एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनडोर होने के बावजूद उनकी केयर, सनलाइट रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर, वाटर रिक्वायरमेंट, पॉट साइज, प्रोपागेशन सब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 10 ऐसे प्लांट के बारे में जो एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इस लिस्ट का पहला प्लांट है पीस लिली। अगर आप कोई ऐसे इंडोर प्लांट की तलाश में जो एयर प्यूरीफाइंग के साथ साथ फ्लावरिंग भी करे, तो पीस लिली एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके वाइट कलर के फ्लावर एक बार खिलने के बाद लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो 100 से लेकर 150 की रेंज में यह नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। इस लिस्ट का जो सेकंड प्लांट है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो आजकल ऑफिसेज, शॉप्स, स्कूल, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वह है स्नेक प्लांट या सेंसवेरिया। ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और अगर थोड़ा बहुत इसमें सनलाइट ज़्यादा भी पड़ जाए, इसके लीव्स पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। प्राइस रेंज की बात करें तो 50 से 100 रुपये में और नर्सरी में आसानी से मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। इसमें भी कई ज़्यादा वैरायटी आती हैं, कुछ डॉर्फ वैरायटी होती हैं, कुछ देसी वैरायटी होती हैं और इनकी लीव्स पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। मेरे पास इसकी डॉर्फ वैरायटी है जिसमें पिंक और ग्रीन वेरिएशन है। यह भी नर्सरीज में 50 से लेकर 100 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। ये कम केयर में आसानी से चल जाता है, इसलिए इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये उतने ही कॉस्टली भी होते हैं। इसका छोटा प्लांट भी यदि हम नर्सरी में जाएंगे तो 350 से लेकर 400 तक मिलेगा और थोड़ा ये सेंसिटिव भी होते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हीट अगर इसमें पड़ गई, सनलाइट ज़्यादा पड़ गई या पानी ज़्यादा हो गया तो इसकी लीव्स मुड़ने लगती हैं और किनारे से पीले होने लगती हैं। इसलिए यदि आप गार्डनिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं तो बिगनिंग में इसे परचेज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस लिस्ट का पांचवा प्लांट है पाम। पाम भी बहुत एक हार्डी वैरायटी है और कम केयर में भी ये प्लांट आसानी से सरवाइव कर जाता है। मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, एक है अरिका पाम जो यह बड़ा पाम है और एक है टेबल पाम जो मैंने सेल्फ वाटरिंग पॉट में लगाए हैं। इसे ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर हवा का सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्राइस रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेकर 150 तक मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है रबर प्लांट, जो अपनी वेरीगेटेड और थिक लीफ के कारण जाना जाता है। रबर प्लांट में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती हैं। मेरे पास इनकी दो वैरायटी हैं, एक तो वेरीगेटेड है और दूसरी है ग्रीन, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रीन वैरायटी है और ये वाली है वेरीगेटेड। इनको आप सीढ़ियों के पास प्लेस करें तो ये गार्डन को बहुत अच्छा लुक देते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो ये भी
150 से लेकर 200 तक नर्सरीज में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इस लिस्ट का नेक्स्ट प्लांट है कैलाथिया। कैलाथिया की अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर 15 वैरायटी नर्सरीज पर अवेलेबल हैं, पर ये थोड़ा हीट सेंसिटिव प्लांट है। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं और मुड़ने लगती हैं। सेंसिटिव होने के साथ साथ थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है। इसकी एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेकर 500 तक है। नेक्स्ट प्लांट है जरबेरा या जरबेरा डेजी नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी दो वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा सेंसिटिव रहती हैं, इन्हें गर्मियों में बचाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जो देसी वैरायटी हैं वह गर्मियों में भी आसानी से चल जाती हैं। मेरे पास जो आप देख रहे हैं देसी वैरायटी है। प्राइस रेंज की बात करें तो विंटर्स में नर्सरीज में यह जरबेरा 100 रुपीस में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इस लिस्ट का नवा प्लांट है फर्न। टेरिडोफाइटा ग्रुप का यह प्लांट अपनी लीव्स की खूबसूरती के कारण घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको आप सीडी एरिया में प्लेस करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फर्न भी नर्सरीज में 50 से लेकर 100 तक की रेंज में आसानी से मिल जाता है। सनलाइट ज़्यादा होने पर इसकी लीव बर्न होने लगती है और साइड से येलो होने लगती हैं। इस लिस्ट का लास्ट प्लांट है ड्रेसिना मार्जिनेटा। मेरे पास यह प्लांट पिछले 2 सालों से है। अभी रिसेंटली अप्रैल में मैंने इसको स्टेम को ऊपर से कट कर दिया था, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच थी, पर कट करने के बाद अब आप देख रहे हैं इसमें 4 ब्रांचेज हो गई हैं। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ अच्छी आएगी मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि हर बार की तरह इस बार भी आपको वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरबीजे। थैंक्स।